कन्नौज में सुब्रत पाठक ने ली राहत की सांस, टेंशन के बाद फिर से सांसद बनने की बढ़ गई आस। मायावती ने जो कदम उठाया उससे अब लगने लगा कन्नौज में एक तरफ अखिलेश होंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी और बीएसपी साथ मिलकर खेलेंगे खेल। अखिलेश की राजनीति से बदला लेने का प्लान, अखिलेश क्या अब अपनी नई रणनीति का करेंगे ऐलान। बहुत दिनों से बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार सुब्रत पाठक घोर टेंशन में दिख रहे थे। टेंशन की वजह वो दावा है जिसमें कहा जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तक अखिलेश की राजनीति से मुकाबला करने का रास्ता सुब्रत पाठक को मिल रहा था, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक झटके में सुब्रत पाठक को अपने सियासी अस्तित्व को बरकरार रखने का मौका दे दिया, क्योंकि मायावती ने अखिलेश के पीडीए से ए को अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास कर दिया। मायावती ने कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अकील अहमद पट्टा की उम्मीदवारी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी अब तक यूपी के 80 में से 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इनमें सभी उम्मीदवार मुस्लिम हैं। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के तहत लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते दिख रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक महिला और पसमांदा वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए है, वहीं सपा की दावेदारी पिछले चुनावों की तरह एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक पर है। भाई मायावती इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी पाने की कोशिश में है। ऐसे में मायावती उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ बढ़त बनाती दिख रही हैं। मायावती ने अखिलेश के पीडीए के जवाब में ए पॉलिटिक्स पर दांव खेल दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबी और सक्रिय नेताओं से बात कर स्वयं के उतरने की बात कर तैयारियों के निर्देश दिए हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक सपा का कब्जा रहा। कन्नौज लोकसभा सीट सपा की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल यादव ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की, लेकिन मोदी लहर में सपा के कन्नौज से पैर उखड़ने शुरू हुए और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया। मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद में रहने वाले अकील अहमद पट्टा को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया। इनकी पत्नी सुल्ताना बेगम ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। अकील अहमद और उनकी पत्नी इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले उन्होंने सपा से त्याग पत्र देकर बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कानपुर देहात के रसूलाबाद में बैठक की। इसमें नौशाद अली ने अकील अहमद के नाम की घोषणा कर दी। माना जा रहा है बीएसपी प्रमुख मायावती ने कन्नौज में बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कन्नौज से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा की घेराबंदी शुरू कर दी। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से बीजेपी को संजीवनी मिल गई। अकील अहमद के आने से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं सपा के खेमे में हलचल तेज हो गई। कन्नौज में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। यदि मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वहीं सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था। पहली बार कन्नौज में सुब्रत पाठक ने कमल खिलाया। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,086 वोटों से हराया। आपको बता दें कि कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाने से पहले 3 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। मायावती ने पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले अमरोहा और मुरादाबाद में बसपा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट मिला है। इस प्रकार अब तक घोषित चारों प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं। इससे मायावती की खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी मायावती ने मुस्लिम समुदाय को बड़ी संख्या में टिकट दिया था। इस संबंध में मायावती की ओर से ऐलान किया गया था, हालांकि इस बार बिना ऐलान टिकट आवंटन शुरू किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज के परिणाम अब देखने वाले होंगे।